हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू क्रेजी जी के दोस्तों आज के वीडियो लेक्चर में हम हमारी इंडियन ज्योग्राफी की टेन क्वेश्चन सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंतर्गत आज हमारा ये टॉपिक रहेगा भारत के जो प्रमुख द्वीप समूह या फिर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे और इसके अंतर्गत अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप यहाँ से जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं इनको हम डिस्कस करेंगे इसके अलावा दोस्त दो इसके अलावा बच्चों जो हमारी टेन क्वेश्चन सीरीज चल रही है ठीक है ये आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स होते हैं जिसमें जियोग्रफी पूछी जाती है उन सभी एग्जाम्स के लिए काफी ज़्यादा बेनिफिशियल है इसके थ्रू आपका एक बहुत अच्छा रिविजन होगा तो आप हमारी इस टेन क्वेश्चन सीरीज को जरूर फॉलो कीजिए इसके अलावा जितने भी इसके प्रीवियस लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं वो आप देख सकते हैं प्ले में आपको मिल जाएंगे चलिए सीधे पहला क्वेश्चन देखते हैं तो देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है सिंपल सा एक क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार में लगभग कितने द्वीप समूह हैं तो इसका आंसर हो जाएगा पहले ऑप्शन देख लेते हैं 200, 240, टू या फिर 250 तो इसका आंसर हो जाएगा 572 या लगभग पाँच सौ पाँच सौ बहत्तर यहाँ पर छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर द्वीपों की संख्या है अंडमान निकोबार में यदि मैं यहाँ पर आपको इंडिया का मैप बनाऊँ एक प्रायद्वीपी भारत का इस प्रकार से मैप बनाऊँ ठीक है तो यहाँ पर आपको पता होगा ये वाला जो रीज़न है इसको हम बोलते हैं बंगाल की खाड़ी और यहाँ पर है अरब सागर यहाँ पर आपको छोटे छोटे कुछ द्वीपों का समूह देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि भारत का सबसे बड़ा ग्रुप ऑफ आइलैंड है या फिर भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है और यहाँ पर आप देखते हैं लक्षद्वीप ठीक है अरब सागर में तो लगभग पांच छोटे बड़े द्वीपों को मिलाकर जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हमारा द्वीप समूह सबसे बड़ा द्वीप समूह है उसको हम बोलते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं भारत के किस द्वीप का उद्गम ज्वालामुखी ज्वालामुखी से हुआ है ठीक है तो ऑप्शन देख लेते हैं बैरन कार निकोबार लिटिल निकोबार या फिर उत्तरी अंडमान तो अच्छा क्वेश्चन है बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता है ऑलरेडी एमपीपीएससी में दो में आया हुआ क्वेश्चन भी है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए जो बैरन आइलैंड है ये भारत का एकमात्र और पूरी दक्षिण एशिया का एक सक्रिय या फिर एक्टिव वॉल है जो कि अंडमान निकोबार आइलैंड में पड़ता है आपको याद रखना है ठीक है थोड़ा सा हम इसकी डिटेल भी डिस्कस करेंगे क्योंकि यहां से बच्चों बार बार एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है ठीक है ये देखिए यहाँ पर इमेज में मैंने आपको बताया है ये हमारे यहाँ का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है अंड जो कि जिसको हम बोलते हैं बैरन आइलैंड या फिर बैरन द्वीप ठीक है सक्रिय एक्टिव देखिए एक्टिव वॉल क्या होता है थोड़ा सा मैं आपको बता दूं ऐसा ज्वालामुखी बच्चों जिससे हमेशा उद्गार होता रहता है गैसें निकलती रहती हैं लावा बाहर आता रहता है उसको हम बोलते हैं सक्रिय ज्वालामुखी या फिर एक्टिव वॉलकैनो और जो ये बैरन आइलैंड है हमारे भारत का और पूरे दक्षिण एशिया का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है एक्टिव वॉलकैनो है ठीक है थोड़ी हम डिटेल डिस्कस कर लेते हैं देखिए बैरन द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है एक्टिव वॉल है इस ज्वालामुखी में अट्ठाइस मई दो को ठीक है 28 मई 2005 को विस्फोट हुआ था तब से अब तक इससे लावा निकल रहा है ठीक है तो ये बात आपको याद रखना है इसके अलावा यह एक सक्रिय ज्वालामुखी है इसके अलावा एक और ज्वालामुखी है भारत में जिसको हम बोलते हैं नारकोंडम और ये एक सुषुप्त ज्वालामुखी है ठीक है तो यह आसपास ही दोनों आपको देखने को मिलते हैं तो याद रखने दोनों के नाम चलिए अगला क्वेश्चन है टेन डिग्री चैनल किसको पृथक करता है टेन डिग्री चैनल की बात की जा रही है अच्छा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं हैं तो पहले इसका हम आ, इसका हम इसके आंसर देख लेते हैं। उसके बाद और भी जो प्रमुख चैनल है अंडमान निकोबार में उनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अंडमान को निकोबार से अंडमान को म्यांमार से भारत को श्रीलंका से या फिर लक्षद्वीप को मालदीप से तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों अंडमान को निकोबार से दस डिग्री चैनल टेन डिग्री चैनल सेपरेट करता है थोड़ा और आप डीप में इसको यदि पढ़ेंगे तो छोटा अंडमान को छोटा अंडमान को कार निकोबार से कार निकोबार से ये सेपरेट करता है टेन डिग्री चैनल है ना टेन डिग्री चैनल अब चैनल क्या होता है तो ऑलरेडी एक लेक्चर मैंने बना रखा है बच्चों हमारे रूट जो चैनल है है ना सीजीटी पे नहीं रूट जो हमारा चैनल है दूसरा एक चैनल है वहां पर मैंने इस पर एक पूरा लेक्चर बना रखा है कि चैनल क्या होता है है ना चैनल क्या होता है जल संधि क्या होती है स्ट्रेट क्या होती है तो उस पर पूरा एक लेक्चर मैंने बना रखा है तो ज्योग्राफी वाई दिनेश साहू सर या फिर ज्योग्राफी वाई साहू सर जो प्लेलिस्ट बनी है हमारे रूट चैनल पर है ना रूट चैनल पर वहाँ पर आप ये लेक्चर देख सकते हैं ना चैनल क्या होता है जल संधि क्या होती है प्रमुख चैनल और जल संधि सारी चीज़ें मैंने वहाँ पर डिटेल में डिस्कस की हैं तो चलिए यहाँ पर हम कुछ अन्य जो यहाँ के चैनल हैं अंडमान निकोबार के उनको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं देखिए थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करा देता हूँ कि आखिर चैनल क्या होता है देखिए चैनल क्या होता है मान लीजिए किसी सागर महासागर में दो द्वीप हैं या दो कोई आइलैंड है है ना दो द्वीप हैं आइलैंड है या फिर दो कोई स्थलीय भाग हैं उनको जो ये जलीय निकाय सेपरेट करता है उसको ही हम क्या बोलते हैं बच्चों उसको ही हम चैनल बोलते हैं ठीक है वो लेक्चर आप जरूर देख लेना जिन भी बच्चों को इसमें डाउट होता है तो वो लेक्चर आप देख लेना आपको बहुत अच्छे से क्लैरिटी हो जाएगी तो कुछ अन्य चैनल जो अंडमान निकोबार के हैं वो भी हम थोड़ा सा यहां पर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि यहां से बार बार एग्जाम में क्वेश्चन रिपीट होते हैं देखिए एक तो अभी हमने ये टेन डिग्री चैनल जो हमारा क्वेश्चन था वो हमने डिस्कस कर लिया लिटिल अंडमान और कार निकोबार या फिर छोटा अंडमान और कार निकोबार के मध्य में जो ये जली निकाय है इसको हम बोल रहे हैं टेन डिग्री चैनल ठीक है यहां पर देखिए ये अंडमान निकोबार का पूरा मैप है यहां पर मैंने जो चैनल बता रहा हूं उनको यहां पर जूम किया है तो ये

ठीक है अब जो ये कोको द्वीप समूह है ये किसके अंतर्गत आता है ये आता है बच्चों म्यांमार के अंतर्गत है ना भारत के पूर्व में आपको एक देश देखने को मिलेगा हमारे जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट है उसके पूर्व में आपको एक देश देखने को मिलता है म्यांमार ठीक तो है तो उसी के अंतर्गत आते हैं ये कोको द्वीप समूह ठीक है तो कोको द्वीप समूह और उत्तरी अंडमान के बीच में जो चैनल है इसको हम बोलते हैं कोको चैनल ठीक है तो ये भी इंपॉर्टेंट है यहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं टेन डिग्री चैनल ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया एक और महत्वपूर्ण चैनल है यहाँ पर ग्रेट चैनल जो कि ग्रेट निकोबार और सुमात्रा जो कि इंडोनेशिया द्वीप समूह इंडोनेशिया एक कंट्री है सबसे बड़ा द्वीप समूह है विश्व का तो इसका जो सुमात्रा आइलैंड है तो ग्रेट निकोबार और सुमात्रा के बीच में ग्रेट चैनल है जिसको हम सिक्स डिग्री चैनल के नाम से भी जानते हैं ठीक है तो ये कुछ महत्वपूर्ण चैनल हैं बच्चों यहाँ से काफ़ी ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ये आप सारे चैनल आपको पता होने चाहिए ठीक है इसके अलावा इस पर लेक्चर ऑलरेडी बना रखा है तो वो आप एक बार जरूर देख लीजिए चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अगला क्वेश्चन है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर हाइएस्ट जो माउंटेन पीक है पीक है पल्याण शिखर सेडल पीक ये स्थित है कहां पर स्थित है किस आइलैंड पर स्थित है ऑप्शन है बृहद निकोबार मध्य अंडमान लघु अंडमान या फिर उत्तरी अंडमान ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों जो नॉर्थ अंडमान है जो उत्तरी अंडमान है इस पर अंडमान निकोबार का की सबसे ऊंची छोटी स्थित है जिसको हम बोलते हैं सैडल पीक क्या बोलते हैं सैडल पीक 732 मीटर 732 मीटर इसकी हाइट है इसका एक अन्य नाम भी है जिसको हम बोलते हैं पल्याण शिखर तो ये इसके आपको दोनों नाम भी याद होना चाहिए पल्याण शिखर सैडल पीक इसके अलावा इसकी ऊंचाई भी आपको पता होना चाहिए सात मीटर है और किस आइलैंड में तो नॉर्थ आईलैंड नॉर्थ अंडमान आइलैंड में या फिर उत्तरी अंडमान में स्थित है देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मैंने जूम करके आपको दिखाई है चीजें ये देखिए यहाँ पर ये सैडल पीक स्थित है <coughs> यहाँ पर ये सैडल पीक स्थित है ये नॉर्थ अंडमान द्वीप है यहाँ पर देखिए ये अंडमान पूरा द्वीप समूह है जिसमें ये सबसे ऊपर वाला द्वीप है इसको हम बोलते हैं नॉर्थ अंडमान ठीक है तो यहाँ पर ही सैडल पीक आपको देखने को मिलती है 732 मीटर इसकी ऊंचाई है ठीक है चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है बच्चों डंकन पास कहाँ पर है ठीक है तो जो डंकन पास है ये भी एक प्रकार की बच्चों जल संधि है है ना एक प्रकार की स्ट्रेट जल संधि है इसको हम बोलते हैं डंकन पास तो पहले आंसर देख लेते हैं फिर डिटेल में हम डिस्कस करेंगे दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान उत्तरी अंडमान मध्य अंडमान दक्षिणी अंडमान कार निकोबार उत्तरी अंडमान और कोकोदीप मैं थोड़ा बच्चों यहां पर चारों ऑप्शन इसलिए पढ़ देता हूं ताकि आपको थोड़ा सा आंसर देने का टाइम मिल जाए सोचने का टाइम मिल जाए है ना नहीं तो आपको वीडियो पॉज करना होता है तो जब तक मैं आपको ऑप्शन पढ़ू तब तो तक आपको आंसर दे, दे देना है ठीक है तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान ठीक है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान या फिर साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान के मध्य में डंकन पास है एक जल संधि है आप इस प्रकार से बोल सकते हैं थोड़ा सा मैप में देखें तो आपको और अच्छे से क्लियर होगी ये 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 चीज। देखिए साउथ अंडमान अंडमान है, है, दक्षिणी और लिटिल अंडमान है, है? ठीक पर ये अंडमान तो के बीच में जो ये जलीय निकाय है करीब चालीस पैंतालीस किलोमीटर ये रास्ता है इसको हम डंकन पास बोलते हैं, इसके अलावा कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है हालांकि पूछता तो यही है ऑप्शन में दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान पर ऐसा भी आ सकता है बच्चों दक्षिणी अंडमान का ही एक आइलैंड है यहाँ पर देखिए जिसको हम बोलते हैं रटलैंड द्वीप या फिर रटलैंड आइलैंड तो रटलैंड आइलैंड और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास है ऐसा भी आप बोल सकते हैं क्योंकि यदि कभी एग्जाम में ऐसा आ गया तो आप यहां पर कंफ्यूज हो सकते हैं तो आपको याद रखना है दक्षिणी अंडमान का ही एक छोटा आइलैंड है रटलैंड आइलैंड तो इसके और लिटिल अंडमान के बीच में डंकन पास स्थित है ठीक है तो हर तरीके से आपको पता होना चाहिए चीजें डिटेल कि कहां से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है चलिए अगले क्वेश्चन को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा आपको अपडेट दे दूँ हमारा एसएससी का बैच बिल्कुल लाइव है 2022 के लिए यदि आपका आप एसएससी आप की तैयारी कर रहे हैं आपका टारगेट एसएससी है तो आप हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं ठीक है इसके अलावा बच्चों यहाँ पर जितनी भी हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी है आपको अलग अलग सब्जेक्ट को गाइड करेगी और टीच करेगी ठीक है तो आप हमारा बैच ज्वाइन कर सकते हैं रूट uh, एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए बाकी सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी इसके अलावा यदि आप डी एस 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 सी कूपन कोड को यदि यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो आपको यहाँ पर पाँच सौ रुपये का लगभग डिस्काउंट देखने को मिलेगा ठीक है तो कूपन कोड यूज करना मत भूलिए टीएसएससी ये कूपन कोड है इसके अलावा यदि आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं ज्योग्राफी का फाउंडेशन कोर्स जो कि सभी एग्जाम्स के लिए बेनिफिशियल है, है ना आ, यहां पर रूट एप्लीकेशन पर बिल्कुल लाइव है यहां पर आप मुझसे ज्योग्राफी पढ़ सकते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से बेहतर तरीके से जोग्राफ़ी के कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं करना क्या है रूट एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है बाकी सारी डिटेल आपको वहाँ पर मिल जाएगी इसके अलावा डिफरेंट सब्जेक्ट इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी आप अलग अलग एक्सपर्ट फैकल्टी से पढ़ सकते हैं जैसे हिस्ट्री हो गया साइंस हो गया जोग्राफी आर्थमेटिक एडवांस मैथ्स हो गई पॉलिटी uh, हो गई इंग्लिश हो गई रीजनिंग हो गई सारे सब्जेक्ट आप यदि uh, मान लीजिए आपका कोई सब्जेक्ट वीक है और आप सिर्फ एक सब्जेक्ट भी पढ़ना चाहते हो तो ये फैसिलिटी भी वहाँ पर दी गई है ठीक है तो करना क्या है एक बार आप हमारी रूट एप्लीकेशन को विजिट जरूर कीजिए सारी डिटेल आपको वहां पर मिल जाएगी चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं अगला क्वेश्चन है बच्चों सेंटिनल जनजाति का निवास करती है मतलब जो सेंट्रनल ट्राइब है ये कहां पर निवास करती है अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह लक्षद्वीप या फिर मालदीप तो इसका आंसर हो जाएगा अंडमान ग्रुप ऑफ आइलैंड है या अंडमान द्वीप समूह है यहां पर सेंटिनल ट्राइव या फिर सेंट्रनल जनजाति निवास करती है बच्चों ये ऐसी जनजाति है जो अभी भी पूरा जो मानव की विकास की मुख्य धारा है उससे पूर्णता कटी हुई है ये जैसे हजारों साल पहले रहते थे वैसे ही अभी निवास करते हैं और यदि इनसे कोई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश भी करता कोई मिलने जाता है तो उनको ये मार डालते हैं है ना अपने तीर कमान से मार देते हैं तो ये नहीं चाहते कि हम बाहरी दुनिया से कनेक्ट हों बिल्कुल अलग थलग ये जनजाति है ये निवास कहाँ करती है इसको जरा देख लीजिए आप यहाँ पर देखिए यहाँ पर साउथ अंडमान द्वीप है साउथ अंडमान के यहाँ पर आप

अगला क्वेश्चन है एट डिग्री चैनल कहां पर स्थित है ठीक है तो ये तो अभी हमने जितने भी चैनल डिस्कस किए थे वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के किए थे अब जो ये एट डिग्री चैनल है आपको लक्षद्वीप के आसपास देखने को मिलेगा ठीक है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मालदीप और लक्षद्वीप छोटा अंडमान कार निकोबार मिनिकाय और मालदीप मिनिकाय लक्षद्वीप तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चो सी मिनिकाय और मालद्वीप के मध्य में एट डिग्री चैनल है ठीक है एट डिग्री चैनल अब ये थोड़ा मैप में आप समझिए तो और अच्छे से क्लियर होगा देखिए यहां पर अभी मैंने आपको बताया था यहां पर जो हमारा द्वीप समूह है इसको हम बोलते हैं लक्षद्वीप है ना जो कि एक प्रवाल से निर्मित द्वीप है प्रवाल द्वीप है तो यहां पर आप देखेंगे बच्चों नीचे हिंद महासागर में एक छोटा सा आपको देश देखने को मिलता है यहां पर आप देखेंगे एक देश देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं मालद्वीप क्या बोलते हैं मालद्वीप है ना और ऊपर इसके आप देखेंगे तो यहां पर आपको एक द्वीप देखने को मिलता है जिसको हम बोलते हैं मीनीय द्वीप ये हमारे लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है सबसे बड़ा द्वीप है लक्षद्वीप का तो लक्षद्वीप का ही एक द्वीप है मीनिकाय द्वीप तो मीनिका द्वीप और मालद्वीप के बीच में जो ये जली निकाय है इसको हम बोलते हैं एट डिग्री चैनल क्या बोलते हैं एट डिग्री चैनल इसके अलावा एक और चैनल है जहां से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं मीनीकाय और लक्षद्वीप जो मिनिकाय और लक्षद्वीप है हालांकि एक बात याद रखना कि मीनिकाय लक्षद्वीप का ही पार्ट है लेकिन ये एक द्वीप है और पूरे द्वीप समूह को लक्षद्वीप बोलते हैं ठीक है तो लक्षद्वीप और मीनीाय के बीच में जो चैनल है उसको हम बोलते हैं नाइन डिग्री चैनल ठीक है तो आपको करना कुछ नहीं है आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि यहां से क्वेश्चन काफी ज्यादा बच्चों एग्जाम में पूछते हैं आपको तीन द्वीप बनाना है मालदीप मीनिकाय द्वीप और लक्षद्वीप और दो लाइन खींच देने हैं पहले आठ आएगा और फिर नौ आएगा तो ये हो गया एट डिग्री चैनल और नाइन डिग्री चैनल मालद्वीप मीनिकाय के बीच में एट डिग्री

प्रवाल से निर्मित द्वीप है है ना तो वो कहाँ पर स्थित है और उसका नाम क्या है ये आप मुझे कमेंट में बताइए ठीक है थीके? तो लक्षद्वीप को याद रखना है प्रवाल क्या होता है बच्चों मूंगा भी इसको हम बोलते हैं एक समुद्री जीव होता है ठीक है जो कि लाखों की संख्या में साथ में एक झुंड में निवास करता है और इनका एक खोल होता है कवच होता है जो कि कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है ठीक है तो इस प्रकार से एक द्वीप के संरचना बन जाती है द्वीप बन जाता है जिसको हम बोलते हैं प्रवाल से निर्मित द्वीप याद रखना लक्षद्वीप इसका एग्जाम्पल है अगला क्वेश्चन है भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क कौन सा है राष्ट्रीय उद्यान ठीक है तो कहां पर यह स्थित है मध्य प्रदेश में लक्षद्वीप में अंडमान निकोबार में या फिर पश्चिम बंगाल में तो बच्चों अंडमान निकोबार जो हमारा द्वीप समूह है यहां पर हमारे पूरे भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क स्थित है जिसको हम बोलते हैं साउथ बटन साउथ बटन नेशनल पार्क जो 0.03 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है ठीक है तो ये बात आपको याद रखना है सबसे छोटा नेशनल पार्क साउथ बटन नेशनल पार्क अंडमान निकोबार आइलैंड में आपको देखने को मिलता है ठीक है थोड़ी हम इसकी डिटेल भी देख लेंगे क्योंकि सबसे छोटा है तो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं देखिए साउथ बटन जो द्वीप समूह है साउथ बटन नेशनल पार्क है अंडमान निकोबार या वो छोटा अंडमान द्वीप के पास है ना लिटिल अंडमान द्वीप जो है ये यहाँ पर यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ठीक है इसके अलावा भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है जीरो पॉइंट क्षेत्रफल भी याद रखना क्योंकि सबसे छोटा है तो इंपॉर्टेंट है यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में ठीक है चलिए अगला और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आज का इंदिरा पॉइंट कहां पर स्थित है है ना इंदिरा पॉइंट आपको पता होगा भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है पूरे भारत का हमारा सुदूरस्थ पॉइंट है दक्षिणी पॉइंट देखा जाए तो कहां पर ही कार निकोबार ग्रेट निकोबार उत्तरी अंडमान या फिर मध्य अंडमान तो ग्रेट निकोबार है ना हमारे पूरे अंडमान निकोबार का जो सबसे दक्षिणी आइलैंड है द्वीप है उसको हम बोलते हैं ग्रेट निकोबार द्वीप यहां पर ही आपको इंदिरा पॉइंट देखने को मिलता है जो भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट है देखिए ये पूरा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है इसमें सबसे आपको जो लास्ट में द्वीप दिख रहा है ये इसको हम बोलते हैं बच्चों इसको बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं ग्रेट निकोबार आइलैंड बोलते हैं ना और इसी ग्रेट निकोबार आइलैंड में इंदिरा पॉइंट स्थित है जो कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है सुदूरस्थ है ना फिर यहाँ पर ये इंडोनेशिया लग जाता है इंडोनेशिया का सुमात्रा लग जाता है और यहां पर ही ग्रेट चैनल आपको देखने को मिलेगा सुमात्रा और आ, ग्रेट निकोबार के बीच में है ना अभी हमने डिस्कस किया था ठीक है तो ये बच्चों हमने दस क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किए हैं है ना और इसके माध्यम से कुछ अन्य डिटेल भी हमने यहां पर डिस्कस की आई थिंक आपको अंडमान निकोबार से रिलेटेड एक आपका क्विक रिविजन हो गया होगा ठीक है तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें इसके अलावा अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें इसके अलावा यदि आप मुझसे जोग्रफी पढ़ना चाहते हैं तो रूट एप्लीकेशन पर आप मुझसे जोग्राफी पढ़ सकते हैं जोग्रफी का फाउंडेशन बैच वहां पर लाइव लाइव है ठीक है तो मुलाकात होगी अगले बेहतर लेक्चर में यदि आपको आज का वीडियो लेक्चर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें मिलेंगे अगले बेहतर लेक्चर में तब तक धन्यवाद अपना ख्याल रखें जय हिंद